Hi guys, good afternoon. This is Ashish sir in front of you. तो guys, आज हम क्लास में पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ की जानकारी लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं बेसिक. तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अपने बेसिक इंग्लिश की. तो बेसिक इंग्लिश में क्या आती हैं आज हम उस चीज़ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर आपकी कन्फर्म होती हैं तो हमको आगे बढ़ने में, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने में आसानी होती है. इसलिए हम आज इंग्लिश के क्लास को शुरू करने से पहले बेसिक की जानकारी लेंगे. तो हमें आपको पता ही है कि इंग्लिश या फिर हिंदी या कोई भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट यदि हम शुरू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आवश्यकता होती है हमें सबसे पहले लेटर की, जिसे हम आप क्या कहते हैं, लेटर. नॉर्मली है इसको हम लेटर को पत्र के रूप में जानते हैं, लेकिन लेटर का एक और भी अर्थ होता है, वो होता है अक्षर. तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले अक्षर की. तो अक्षर किसे कहते हैं, मोस्टली हमें इस चीज़ को माइंड करना होगा, क्योंकि हम ऑफन इस चीज़ में फंस जाते हैं. हमारे सामने अक्सर इस चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम अगर किसी काम को करना शुरू करें, कोई पूछ लेता है भैया अक्षर किसे बोलते हैं, आपने कहा कि अक्षर से शुरुआत होती है, तो अक्षर किसे बोलते हैं, ऐसे जब छोटे छोटे डिफिनेशन हमसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो हम प्रायः उसमें दुविधा में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज होते हैं. तो आज हम आपके इस कन्फ्यूज़न को, आपके सस्पेशन को दूर करेंगे. तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे किसकी, लेटर की. तो लेटर होता है आपका क्या, यदि हम लेटर की डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि लेटर किसे कहते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं तो लेटर को तो हिंदी में हम डिफाइन करेंगे ही, साथ में हम इसकी इंग्लिश डिफिनेशन को भी देखते हैं. लेटर से पता चलता है कि किसी लैंग्वेज को हम बोलने के लिए अक्षर की मदद लेते हैं. अक्षरों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है. तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है अक्षर. अक्षर को हम डिफाइन करते हैं ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच डज नॉट मॉडिफाई इज कॉल्ड लेटर. ओके गाइस, नाउ जस्ट माइंड अबाउट दिस वन. ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच डज नॉट मॉडिफाई इज कॉल्ड लेटर. अर्थात वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई, वर्णमाला मतलब जो ध्वनि आप निकालते हैं, आपके मुंह से निकलने वाली प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है, हम उसी को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं. इसलिए हम क्या बताते हैं कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच डज नॉट मॉडिफाई इज कॉल्ड लेटर. मतलब कि वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है. तो गाइस अक्षर आपको क्लियर हुआ. तो कभी कभी नहीं, हमारे पास अक्सर ऐसा आ जाता है कि हम अंग्रेजी जब लिखना, बोलना, पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि अंग्रेजी चार प्रकार से लिखी जाती है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, फिर तीसरे प्रकार का कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर. तो गाइस आज हम बात करेंगे कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर सिर्फ लिखने में चार हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में अक्षर आपके सिर्फ दो प्रकार के होते हैं. एक होता है आपका वॉवल या फिर वाउल बोलते हैं इसको. वाउल मतलब क्या होता है, आपका स्वर होता है. एंड सेकेंड स्टेप में आपका होता है कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन. कॉन्सोनेंट को बोला जाता है व्यंजन. सवाल उठता है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं गाइस. तो स्वर वह चीज़ होती है, वह शब्द या वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात उसकी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसी को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं. और व्यंजन क्या होता है, जिस वर्ण या जिस इकाई का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं. और इनकी संख्या, स्वर की संख्या जो होती है वो 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या जो होती है वो 21 होती है. तो स्वर के 5 अक्षर जो होते हैं वो होता है ए, ई, आई,
O and U. A, E, I, O and U is called the vowel. Now just mind guys, मैंने कहा कि जिस अक्षर या जिस इकाई का उच्चारण करते समय किसी दूसरे अक्षर या इकाई की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसे इन वर्डों में, इन ऐसी इकाइयों में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप याद रखिएगा, अगर किसी दूसरे अक्षर की जरूरत भी पड़ेगी तो वो होंगे हमेशा स्वर के, कॉन्सोनेंट के शब्दों का उच्चारण इन शब्दों में नहीं होगा। जैसे आप पढ़ते हैं ए, ए सेल्फ है यानी कि इंडिपेंडेंट वर्ड है, डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ आश्रित, अपने आप पर आश्रित हो, उसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं और उसे इंडिपेंडेंट बोला जाता है, और जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब आते हैं देखते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। ए को बोलिए, आप जरा उच्चारण करके बताइए भैया क्या होता है ए। ए में कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, नहीं आता है। अगर ए के साथ किसी दूसरे ध्वनि का समावेश नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, स्वर है। उसके बाद क्या आएंगे, ई। ई में आपको कोई दूसरा अक्षर मिल रहा है, कोई दूसरी ध्वनि मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यानी कि ई भी आपका क्या है, वाउल है, जिसे आप वाउल भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आए, आई आया, तो आई में ए और ई दोनों का समावेश हो रहा है, लेकिन ए भी वाउल है और ई भी वाउल है, इस तरह से आई को भी हम वाउल ही कहते हैं, वाउल ही कहते हैं। उसके बाद आता है क्या, ओ। ओ अपने आप में एक पूर्ण वर्ड है, एक पूर्ण लेटर है, वो पूरा ध्वनि अपने आप से कर रहा है ओ, तो ओ बोलने पर आपका कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है, अर्थात यह भी आपका क्या होता है, वाउल होता है। अब उसके बाद यू, यू भी सेल्फ वर्ड है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसे हम डिपेंडेंट वर्ड बोलते हैं। तो आपने देखा कि वाउल क्या होता है, जो शब्द किसी दूसरे शब्द की सहायता लेकर न बोले जाए, या फिर किसी शब्द में दूसरे शब्द की आवश्यकता भी पड़े तो वह स्वर हो, उसे हम क्या कह लेते हैं, वाउल कहते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट के 21 अक्षर होते हैं, इनकी संख्या 21 होती है, और 21 की कंडीशन क्या होती है, 21 की कंडीशन होती है ये कि वो जो होते हैं हमेशा डिपेंड करते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं दूसरे अक्षर पर, दूसरे अक्षर का अर्थात कॉन्सोनेंट की बात होती है। जैसे अगर आप बी लिखते हो, बी, बी लिखे, तो आप बी की ध्वनि करते हैं तो क्या निकल रहा है, बी के साथ ई आ रहा है, ई निकल रहा है ना, तो ई क्या है, हमारा वाउल है। अगर ई हमारा वाउल है तो इसका उच्चारण हम इसके साथ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, क्योंकि यह डिपेंड करता है किस पर, ई पर, बिना ई के हम इसको बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। बी के बाद आप लेते हैं सी, सी का भी उच्चारण उसी से हो रहा है, किससे, ई से हो रहा है, इसलिए ये भी सी जो है ई पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस तरीके से ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अल्फाबेट के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो हमेशा इन स्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि स्वर सेल्फ डिपेंड होता है, यह किसी पर आश्रित नहीं होता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यह किसी पर आश्रित नहीं होता है। चलिए, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग इसके आगे। आपने एक वर्ड लिखा है क्या, अल्फाबेट, अल्फाबेट की बात करते हैं। तो गाइज, अल्फाबेट किसे कहते हैं, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। हम लोग टॉकिंग करते हैं, हम लोग बात करते हैं आज किस चीज की, वर्णमाला की, कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, ठीक है। अक्षर पढ़े, अक्षर के प्रकार पढ़ लिया हम लोगों ने, अब बारी आती है किसकी, वर्णमाला की, अल्फाबेट की। अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला, क्या हो जाता है, वर्णमाला। नाउ जस्ट माइंड अबाउट इट, वर्णमाला किसे कहते हैं गाइस, कभी भी आप गेस करेंगे तो वर्णमाला आपके सामने आ जाता है, तो समस्या ये बनती है कि हम वर्णमाला को कैसे डिफाइन करें। वर्ण प्लस माला यानी कि वर्णों की श्रृंखला,
वर्णों की श्रृंखला क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। अब जैसे आपको वर्णों की श्रृंखला है, अगर ए के बाद जेड रख दिया जाए, बी के बाद यक्स रख दिया जाए, सी के बाद वाई रख दिया जाए, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए हमें उल्टा पुल्टा ना करके उसे क्रमबद्ध रूप से रखना होता है। तो हम वर्णमाला की डिफिनेशन क्या बताते हैं? अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना वर्णमाला कहलाता है। तो अक्षरों के क्रमबद्ध रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो कह सकते हैं कि क्या लेटर अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। Is that clear, guys? Letter arranged in order is called alphabet. अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमने आपको बताया कि अगर A, उसके बाद Z, फिर B, उसके बाद X, इस तरह से वर्ड आप लिखेंगे तो ये आपके वर्णमाला की श्रृंखला को तोड़ता है, बाधित करता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं? गलत मानते हैं। और जो गलत होता है उसे हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम कहते क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay guys, now mind about this one. Alphabet की बात कर रहे थे हम। Alphabet क्या होता है? लेटर अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब वर्णमाला को अगर हम क्रमबद्ध रूप में रखेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सीरियल वाइज रखा जाता है, तो वह होता है आपका क्या? वर्णमाला होता है। लेकिन कहीं पता लगा ए के बाद आपने डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू से पहले आपने एन लिख दिया, एन से पहले आपने जेड लिख दिया, तो वह वर्णमाला नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह क्या होता है? गलत होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रमबद्ध रूप से। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग वर्णमाला के बाद कहाँ पहुँचते हैं? वर्ड आते हैं। वर्णमाला हो गया आपका, वर्ड के बाद हम आते हैं वर्ड पर। वर्णमाला के बाद आते हैं वर्ड पर। अब वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? हमें पता है, आपको मालूम है, वर्ड माने क्या होता है? शब्द होता है। तो शब्द किसे कहते हैं? कुछ लोगों से पूछा जाता है शब्द किसे कहते हैं, तो सर शब्द बोलते हैं अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों का क्रमबद्ध समूह तो आपका यक्ष और ई भी हो जाता है। अब यक्ष और ई को आप क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते ना। तो कभी भी इन कंप्लीट डिफिनेशन आपको परेशान कर सकती है गाइस। तो हमें क्या करना है? कंप्लीट डिफिनेशन की तरफ चलना है। कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो सकती है? क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए मीनिंग, विच मेक्स ए मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ओके गाइज, हमें लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे, अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। कभी भी अक्षरों का समूह सिर्फ बनाने से आपका अर्थ नहीं निकलता, और अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो शब्द नहीं बनता। इसलिए हम क्या बताते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे अगर हम आप लिखते हैं ए जी ई, क्या लिखते हैं? ए जी ई। अब कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं? ये है आपका
लेटर, क्या है लेटर, क्यों, क्योंकि इन तीनों वर्डों को, इन तीनों वर्डों को हमने अलग अलग लिखा है। अब इन्हीं तीनों वर्डों को हम इकट्ठा कर देते हैं, ए जी ई। अब तीनों को जैसे हमने मिलाया तो इसका अर्थ क्या निकल के आया भैया, इसका अर्थ निकल के आया उम्र या आयु, उम्र या आयु। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे आपके पास मैंने अभी लिखा था यक्स और ई, हम उसी को उल्टा कर देते हैं, ई और एक्स कर देते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड हो गए ई और यक्स, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही इस दोनों वर्डों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हो जाता है ए एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग या भूतपूर्व, तो हम लिख सकते हैं इसको उपसर्ग, क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग। ओके गाइस, आज के क्लास में हम सिर्फ बेसिक पे इतनी ही चर्चा करेंगे, आगे की चीजों को हम आपको बताएं, उससे पहले आप इतनी चीजों को अच्छे से श्योर्ड कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे, मैं आपको फिर से बताऊंगा। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से अटेंड किया है तो आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड बाय, सी यू टुमारो।